हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट क्लास मैथ, फर्स्ट चैप्टर पैटर्न प्रैक्टिस टाइम 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन ए वी विल डिस्कस। ऑब्जर्व द पैटर्न, राइट द रूल, देन फिल इन द ब्लैंक। यह आपको एक पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को आपको पहचानना है, फाइंड आउट करना है और या फिर इन द ब्लैंक करना है। तो देखिए एक बार, यहाँ 1, 2, 2, 4, 4, 7, 7 and 11। नेक्स्ट विच डिजिट विल बी कमिंग। तो हमें क्या करना, पैटर्न को समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 1 के अंदर रूल मीन्स 1 के अंदर 1 प्लस क्या आ रहा है, 2। देखिए 1 में 1 प्लस क्या आ रहा है, 2। फिर देखिए 2 plus 2, यानी इस डिजिट के अंदर क्या करना है, 2 plus के अंदर क्या आ रहा है, 4। ये देखिए 4 आ रहा है, मींस यहाँ पर तो ये डिजिट आएगी, ये वाला डिजिट वापस यहाँ नेक्स्ट टाइम राइट करना है। और पैटर्न क्या हो रहा है कि नेक्स्ट प्लस क्या करना है, कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यू प्लस कर रहा है। तो 4, ये रहा 4, इस 4 को वापस यहाँ लिखना है, ये रहा 4 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, 3। तो 4 plus 3 क्या आएगा, 7, ये रहा 7। फिर देखिए वापस नेक्स्ट पर 7 यहाँ लिख गया है, प्लस 3 के बाद आप क्या प्लस करेंगे, 4। तो 7 प्लस 4 इक्वल क्या रहा, 11, ये रहा 11। फिर देखिए 11, 11 प्लस नेक्स्ट क्या प्लस करेंगे, 5। 11 प्लस 5 इक्वल टू 16। तो हम क्या राइट करेंगे, 16। ये देखिए नेक्स्ट वन डिजिट क्या आएगा, 60। नेक्स्ट वन 16 क्या राइट करेंगे, 6। 16 प्लस 6 इक्वल टू 22। नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 22। देखिए 22 क्या राइट किया, फिर क्या नेक्स्ट वन प्लस करेंगे, 7। 22 प्लस 7 क्या होगा, 29। तो ये हमारा एक पैटर्न है और 16, 22 and 29 हुआ हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन ये पैटर्न दे रखा है, 1 plus 2 plus 3 = 6। इनको सब क्या कर रहा है, 8 कर रहा है, तो क्या रहा है, 6 आ रहा है। नेक्स्ट वन 2, 3, 4 = क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इन सबको प्लस करके ऊपर इसी तरह से करना, इन सब तीनों को क्या करना, आपको प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, देखिए एक बार इधर 189, 190 और 191, इन तीनों को प्लस करना हमारा वो आंसर होगा। 9 plus 1 0 10 1 carry 9 9 18 20 7 7 2 carry and 3 3 4 5 570 हमारे क्या होगा आंसर। नेक्स्ट वन दिस टाइप, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे 249। नेक्स्ट वन 250। नेक्स्ट 251। नेक्स्ट वन 251। प्लस 9 प्लस 1 10 1 कैरी 5 5 10 10 और 5 15 1 कैरी 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7 750 750 ओके। नेक्स्ट वन थर्ड, अब ये यहाँ क्या हो रहा है, इस वन को और इस वन को प्लस करते हैं, क्या आ रहा है, 2। ये पैटर्न है और इस फिल इन द इस ब्लैंक को हमें फिलअप करना है। इस वन को और इसको प्लस कर देते आ रहा है 2। अब इस वन और 2 को प्लस कर रहे हैं, 1 और 2 को प्लस कर रहा है, आ रहा है 3। इस 2 और 1 को प्लस कर रहे क्या आ रहा है, 3। मींस इन दोनों के बीच में नंबर आ रहा है, इन दोनों के बीच का नंबर ये आ रहा है। देखिए 1 plus 3 = 4 एंड 3 plus 3 = 6 एंड 3 plus 1 = 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4, 6 and 4। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन फॉर find the sum. Find the sum means in this question, find the sum. इसमें एक horizontal sum और एक vertical sum. सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी horizontal sum find out करेंगे। 13 plus 14 plus 15 = क्या होगा, 7 plus 7 plus 5 कितना हो गया, 12। 1 carry 1 plus 2 2 4 42। means ये जो horizontal sum है वो आ रहा है 42। तो हमें चाहिए vertical. तो सम टोटल तो सम तो क्या आ रही है, 42। अब हमें चाहिए वर्टिकली, वर्टिकली देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे और 42 में से माइनस करेंगे, हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए 14 प्लस 8 क्या हो रहा है आपका, 22 आ रहा। अब 42 में से 22 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20। मींस यहां आंसर क्या आएगा, 20। इन दोनों को प्लस करेंगे और 42 में से माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20। नेक्स्ट वन, राइट डाउन द फिगर व्हेन द सम 108। जब 108 है सम, टोटल सम कितना देता है 108, तो हमें इफ इन द ब्लैंक फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूं हॉरिजॉन्टली,
इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे, 45 प्लस 36 6 एंड 6 66 आ रहा है। तो 180 में से 66 क्या लगेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आ रहा है 42। वर्टिकली में क्या आएगा 42। देखिए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सब क्या देखा है 180 देखा है। तो ये आंसर हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ। वी विल सॉल्व, वी विल कंप्लीट दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक। ओके, टेक केयर, गुड डे।